तकरीबन 2 मिनट 48 सेकंड के इस ट्रेलर ने मुझे बोर कर दिया और एक तरीके से मेरा मन किया कि यार इसी को भी मैं स्किप कर दूं। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा सरदार ऑफ ग्रैंडसन मूवी ट्रेलर के बारे में, जिसके अंदर मेन कास्ट है एक्सप्रेशनलेस कपूर, मतलब कि अर्जुन कपूर। तब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कहानी तो पूरी की पूरी इन्होंने ट्रेलर के अंदर दिखा दी। जैसे कि एक औरत जो है वो ये कहती है कि मुझे अपने लाहौर वाले घर में जाने, जब भारत जो वो डिवाइड नहीं हुआ था, जब यानी पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो कहती है कि लाहौर में मेरा घर हुआ करता, तो बड़ी मिन्नतों से मैंने उसको सजाया। सारी बातें देखो यार, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, जितना ट्रेलर में दिखाया गया वही मैं बता रहा हूँ। तो ये कहती है कि बड़ी मिन्नतों से मैंने अपना घर सजाया है, तो मेरी इच्छा ये है कि तू अपने पोते को बोली, तो जो पोता होता है वो अर्जुन कपूर, तो ये कहती है कि तू मेरे को एक बार मेरे लाहौर वाले घर में ले चल। तो अर्जुन कपूर कोशिश करता है लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता, मतलब पाकिस्तान वीज़ा नहीं दे रहा, मतलब पाकिस्तान में वीज़ा चलता भी है, वहाँ जाता कौन है यार घूमने। खैर छोड़ो छोड़ो, फोकस करते हैं कहानी के ऊपर। तो भाई वीज़ा ना मिलने के कारण अर्जुन कपूर अपना एक अलग ही दिमाग लगाता है, अलग दिमाग मतलब कि जो राइटर ने जैसी कहानी लिखी है, राइटर ने कहा कि चलो यार अगर तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते तो पाकिस्तान से तुम एक काम करो, ये जो मकान है, जो घर है, उसको चक्कर भारत लेके आओ। यही ये सब चीजें इसमें दिखाई गई। अब वो कैसे लेकर आते हैं तो देखो यार, ये जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा, इतनी महान कहानी। तो यार देखो यही सोच सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि यार तुम्हें मूवी अभी तक आई नहीं और तुम इसकी बुराई कर रहे हो, नेगेटिव चीजें बातें बोल रहे हो। देखो यार ऐसी बात नहीं है यार, मैं कोई बॉलीवुड से नफरत नहीं करता हूं, मैं किसी नेपो किड से या फिर मैं कोई स्टार किड से नफरत नहीं करता हूं। अगर अच्छी मूवी आती है या फिर अच्छे टैलेंट होता है तो बेशक उसकी बड़ा मतलब उसकी तारीफ बनती है यार। मैंने तो इतनी ही बातें बोली जितना मैंने फील किया इस ट्रेलर को देखने के बाद। और सच में 2.5 मिनट के इस वीडियो को देखने के बाद मेरा मन ऐसा किया कि यार बस यार, इन्होंने तो इसी के अंदर पका दिया, ये पूरी मूवी कैसे देखेंगे। और फिर भी उम्मीद लगाई कि चलो कोई बात नहीं यार, मूवी शायद अच्छी भी हो सकती है। बट बार बार चेहरा मेरे सामने आ रहा था एक्सप्रेशनलेस कपूर, अर्जुन कपूर का, जिसको देख अंदर ही अंदर ये हो रहा था यार ये तो गई भाई, ये तो मतलब टाटा बाय बाय खत्म। और फिर एक बार फिर से बॉलीवुड ने अपने कॉपी करने की कला को कैसे यूज ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने वही काम किया, मतलब एक पंजाबी गाने के राइट्स खरीद कर इसमें फिट कर दिया, भले ही वो फिट ना हो रहा लेकिन धक्के से वो फिट कर दिया। अब यार इनके पास ओरिजिनलिटी के नाम पर तो सिर्फ और सिर्फ कॉपी ही बचा है, वही कॉपी पेस्ट, या तो तमिल वालों की मूवी को मतलब उनकी कहानी को वो कॉपी पेस्ट करेंगे, पंजाबी गानों को वो कॉपी पेस्ट करेंगे, उनके राइट्स खरीदेंगे। मतलब राइट्स खरीदने का मतलब एक तरीके से तो वही है ना, कॉपी पेस्ट करना, खुद का दिमाग खर्च नहीं करना है, लेकिन हाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। कुछ टाइम से जैसी मूवीज आ रही हैं हिंदी मूवी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी मूवीज या हिंदी सीरीज, भाई साहब इन्होंने इतनी घटिया, इतनी बकवास, इतनी प्रोपोगेंडा उसके अंदर फैलाया है उन्होंने, इतना दिखाया है घटियापंथी, इतनी घटिया उनमें परफॉर्मेंस दी गई है कि यार इनके ऊपर से यकीन ही उठ गए। अब बॉलीवुड से उम्मीद करना एक तरीके से भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर होगा, मतलब भैंस के आगे बीन बजाओ उसको नागिन बनाने के लिए कि वो नागिन बन के नाचेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो बॉलीवुड के सामने भी ऐसे ही है कि यार वो कभी भी ओरिजिनल कंटेंट लेके आएंगे, और ओरिजिनल ले भी आए तो यार क्या गारंटी है कि वो अच्छा होगा, ओरिजिनल तो लेके भी नहीं आएंगे कभी भी। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख रखी है, मतलब ये मूवी का ट्रेलर देख रखा है, तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग क्या सोचते हैं अर्जुन लेस मतलब कि एक्सप्रेशनलेस क्या बोल रहा हूँ मैं अर्जुन कपूर के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।